हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी नई वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपनी नई वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज में किस तरीके से रैंक करवाएंगे और गूगल के टॉप पेज में वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए किन किन इंपॉर्टेंट प्लगइन की आवश्यकता रहेगी। प्लगइन्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैं आपको कुछ ऐसे एडवांस प्लगइन्स बताने वाला हूँ जो आपको शायद ही पहले पता हो। इस वीडियो में आपको जो प्लगइन्स मिलेंगे उन प्लगइन की मदद से अगर आप अपनी वेबसाइट का सेटअप कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट का एसईओ प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो उन प्लगइन की मदद से आप अपनी हर एक ब्लॉग पोस्ट का एसईओ भी अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट प्लगइन मिलने वाले हैं, उनमें से कुछ प्लगइन्स मैं आपको बताता हूँ, साथ ही उनका बेनिफिट बताता हूँ। जैसे कुछ प्लगइन्स आपको मिलेंगे आपकी वेबसाइट को स्पीड इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आज के समय में अगर आपको अच्छा ट्रैफिक लेके आना है तो वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। देन इसी के साथ ही आपका कॉन्टेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। देन तीसरा इसमें आपको फायदा मिलेगा वो है कि अगर आप अपनी इमेज बनाती हैं ब्लॉग वेबसाइट के लिए और उस इमेज का जो साइज आप कई बार ज्यादा रख लेते हैं कई बार कम हो जाता है, तो आपको ऐसे प्लगइन बताऊंगा जो आपके इमेज का साइज भी कम कर देंगे ताकि आपकी इमेज पे लोडिंग स्पीड ना बढ़े और आपकी जो भी रैंकिंग है या आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन ना हो। आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए भी कुछ प्लगइन बताने वाला हूं। ये वीडियो सिर्फ बिगनर्स के लिए है और जो एडवांस ब्लॉगर अगर कर रहे हैं ब्लॉगिंग उन्हें इनमें से किसी भी प्लगइन को पता नहीं था वो आज इस प्लगइन को इंस्टॉल कर ले। आपकी ये प्लगइन्स आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए और ब्लॉगिंग जर्नी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि हमें कौन कौन से प्लगइन्स इस्तेमाल करने चाहिए और कौन कौन से प्लगइन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आगे बात करते हैं। तो अभी हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप अगर ब्लॉग वेबसाइट नहीं बनाते हैं तो आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में कौन कौन से मोस्ट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी तरीके से ग्रो करे एंड रैंकिंग वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं आपको 7 ऐसे बेस्ट प्लगइन बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप इन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट है जो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, देन आपको कोई भी इसमें इशू देखने को नहीं मिलेगा। आपकी वेबसाइट के लिए प्लगइन है जो काफी ज्यादा अच्छे प्लगइन्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्लगइन की। जो हमारा पहला प्लगइन होने वाला है वो हमारा होने वाला है रैंक मैथ। तो पहला प्लगइन जो होगा वो हमारा होगा रैंक मैथ। देन इस रैंक मैथ प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना अपनी वेबसाइट में। रैंक मैथ प्लगइन का काम है आपके वेबसाइट पे आप जो भी कंटेंट डालते हैं उसको एसईओ करने के लिए। देन रैंक मैथ की मदद से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं एंड इमेज का एसईओ कर सकते हैं। आप उसके साथ साथ बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे किसी भी पोस्ट को आपने डिलीट कर दिया है देन उसके बाद जब भी कोई दूसरा यूजर उस पोस्ट पे को यूआरएल को इंडेक्स था या गूगल में रैंक था उसके बाद उस पर क्लिक करता है तो 404 का एरर आता है। तो आप रैंक मैथ में 404 एरर का आपको प्लगइन ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। देन आप उसकी मदद से अपनी पोस्ट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं होम पेज पे या किसी दूसरी पोस्ट पे। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होने वाला है रैंक मैथ का। आप इस प्लगइन की मदद से अपनी वेबसाइट की सब कुछ स्टेट्स वगैरह अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। रैंक मैथ आपके लिए वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्लगइन्स है। देन हम सेकेंड प्लगइन्स की बात करें जिसका नाम है साइट किट। तो आपको अपनी वेबसाइट को अगर नए सेटअप से शुरू करना है तो आपको साइट किट प्लगइन का इस्तेमाल करना होगा। साइट किट प्लगइन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है क्योंकि आप इस प्लगइन की मदद से अपनी वेबसाइट का एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं, सर्च कंसोल ऐड कर सकते हैं, एडसेंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नए यूजर हैं आपको पता नहीं है अभी जब आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं उस टाइम आपको कोड कहाँ पे डालना है, थीम में कोड कहाँ पे डालना है, कोई भी इसका इशू आता है तो अगर आपकी वेबसाइट साइट किट के साथ कनेक्ट है तो आपको ये कुछ भी इशू देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये इशू आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि साइट किट का जो सिस्टम है वो अपने आप गूगल एडसेंस का कोड लेके और थीम में पेस्ट कर देगा। देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ये आप गूगल का खुद का प्लगइन है तो इस पर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आप इस प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट प्लगइन रहने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे तीसरे प्लगइन की। जो हमारा तीसरा प्लगइन है वो है लाइट स्पीड कैश।
इस प्लगइन की मदद से आपकी वेबसाइट की स्पीड वगैरह ऑप्टिमाइजेशन रहेगी, आपकी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्पीड वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इस प्लगइन का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। अगर आपको वर्डप्रेस खुद का प्लगइन है, आपको बाहर से कोई डाउनलोड करने की दिक्कत नहीं रहेगी, तो ये प्लगइन्स है, इसका इंटरफेस आपको इस तरीके को मिलेगा, ये लोगो है इसका। तो आप वर्डप्रेस की मदद से इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ये प्लगइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। आपकी वेबसाइट की स्पीड वगैरह को सब कुछ को अच्छे से ये ऑप्टिमाइजेशन करके रखेगा। तो आप इस प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ये जरूरी प्लगइन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के लिए होने वाला है। देन आगे हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, जो हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा वो है स्वेप गूगल फॉन्ट डिस्प्ले। तो इस प्लगइन को भी आपको अपनी वेबसाइट में डाल के रखना है। इस प्लगइन का आपको मैं दिखा देता हूँ व्यूज वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप का प्लगइन चाहिए। इस प्लगइन की मदद से आपको मैं बता देता हूँ कि आप इस प्लगइन को अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप जैसे टाइटल बनाते हैं तो टाइटल का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड वगैरह में एरर आ जाता है। जब भी आप यहाँ पे चेक करते हैं पेज स्पीड, तो आपको वहाँ पे स्पीड कम रहती है, एरर आपको टाइटल का दिखा देता है। तो इस प्लगइन की मदद से आपका टाइटल वगैरह सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, या फॉन्ट साइज वगैरह, आपके टेक्स्ट जो लिख रहे हैं आप, पोस्ट लिख रहे हैं वो, टाइटल लिख रहे हैं वो, जो कुछ भी आप कहीं पे भी लिंक वगैरह डाल रहे हैं, तो आपका जो भी साइज वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइजेशन है, वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट साइज है, वो ये फॉन्ट अपने, ये प्लगइन है जो अपने आप कर देगा उसी फॉन्ट में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आगे हम बात करते हैं हमारा जो अगला नेक्स्ट प्लगइन्स है फिफ्थ नंबर का, वो है वेब इमेज कन्वर्टर। तो इसका आप नाम सुन के ही पहचान गए होंगे इस प्लगइन को, क्योंकि इस प्लगइन का काम है जैसे आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी इमेज पब्लिश करते हैं, देन उस इमेज का साइज बड़ा रह जाता है, 1 MB 2 MB या 80 KB 90 KB। तो आपको क्या काम करना है, ये प्लगइन्स है जो इमेज अपलोड करने के बाद आपकी इमेज को वेब में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इमेज का साइज बिल्कुल ही 2 KB 4 KB 5 KB में कर देगा। देन उस इमेज की क्वालिटी इंप्रूव रहेगी, तो आपको बाहर से कहीं से भी इमेज को कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आप कंप्रेस वैसे तो कर लें, ठीक है, बट ज्यादा कंप्रेस अगर नहीं करवाते आपको, तो लगता है ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो आपकी इमेज का जो भी पिक्सल है वो फट जाएगा। तो आप इस प्लगइन की मदद से यहां पे कर सकते हैं, ये प्लगइन भी आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन होने वाला है। देन आगे हम बात करते हैं सिक्स नंबर प्लगइन की, तो यहां पे उसका नाम है एस्कमिंट, ठीक है एंटी स्पैम। तो इस प्लगइन की मदद से आपको यहाँ पे वेबसाइट पे जो भी एरर आता है, ठीक है, यानी कि ब्लॉक में कमेंट देखने को मिलते हैं, या आपको बहुत सारे अनवांटेड कमेंट या कुछ और बहुत सारी आपको चीज़ देखने को मिलेगी एंटी स्पैम की, तो वो आप पे आपके ऑल स्पैम को सभी को डिलीट कर देगा, वेबसाइट पे आने वाले कॉमेंट ब्लॉक में या कोई भी अंदर एक्टिविटी होती है, तो ये प्लगइन अपने आप उसे रिमूव कर देगा, आपकी वेबसाइट को स्पैम फ्री रखेगा, मतलब आपकी वेबसाइट को पूरा प्रोटेक्शन देगा ये। तो ये प्लगइन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है, आपने अगर इसे इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप आज ही इन्हें इंस्टॉल कर लें। इस प्लगइन का इंटरफेस आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्लगइन को आज ही इंस्टॉल करो और अपनी वेबसाइट में जो भी अब कमेंट वगैरह आ रहे हैं ब्लॉक में, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कम होती है और साथ ही वो आपका एक्स्ट्रा डाटा यूज करते हैं या आपके पर्सनल क्वेरीज की होती है, आपकी रैंकिंग के लिए भी प्रॉब्लम होती है, तो आप आज ही इसे एक्टिवेट कर लें और वेबसाइट में जितने भी आपके जो भी दूसरे कॉमेंट हैं उन्हें आप डिलीट कर दें इस प्लगइन की मदद से। देन हमारा लास्ट में जो प्लगइन होने वाला है कॉन्टेंट फॉर्म 7। तो इस प्लगइन का अभी क्या रोल होने वाला है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में चलते हैं। अगर आप जैसे अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट में, तो आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट में आपको कॉन्टेक्ट का फॉर्म बनाना पड़ता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको अपनी वेबसाइट में बनाना रहता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म की मदद से आपकी वेबसाइट पे जो भी आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो वो इसे कर सकते हैं। तो आप इस प्लगइन को आज ही इंस्टॉल कर लें, ये प्लगइन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें आप अपना मेल डाल देंगे, जब भी कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो एक फॉर्म फिल करे जिसमें वो पहले अपना नाम डालेगा, फिर अपनी ईमेल डालेगा, देन वो आपसे क्या कॉन्टैक्ट करना चाहता है सब्जेक्ट डालेगा, देन फिर आपको मैसेज करेगा अभी मुझे आपकी वेबसाइट के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है या ये कुछ मैं करना चाहता हूँ, जो भी उसकी क्वेरीज रहेगी तो वो इसमें डाल के आपको कमेंट करेगा। तो ये आपके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये प्लगइन भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में 7 ऐसे प्लगइन्स बताए जो आपकी वेबसाइट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है, तो अगर आपने इन्हें इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आप अभी इन प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, देन अपनी वेबसाइट की स्पीड एंड वेबसाइट की रैंकिंग वगैरह सभी में सुधार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है उसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।